बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब स्टूडेंट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आप डिस्क्राइब कर चुके हो। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसकी जो आउटकम्स हमारे पास आ रही होती हैं, वो हमारे पास क्या होता है? रैंडम वेरिएबल होते हैं, रैंडम नंबर्स होते हैं। अब आपने क्या करना है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? जिसमें डिस्क्रीट नंबर आ रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ईच एंड एवरी नंबर इंक्लूड नहीं होता, बल्कि डिस्क्रीट नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3 या 10, आप कोई भी डिस्क्रीट नंबर ले सकते हो, उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब उससे रिलेटेड हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में, तो इसको मैं क्लियर करवाना चाहती हूँ। हम कहते हैं, इन मैनी प्रॉब्लम्स वी मे बी इंटरेस्टेड टू नो द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू सम नंबर ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट, एक चीज़ आप याद रखना, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हम शो करते हैं कैपिटल एक्स से। आपको इसी चीज़ से क्लियर हो जाएगा तमाम चीज़ें कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या होता है। हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं कैपिटल एक्स एंड लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं probability that the value of random variable x is less than or equals to some number of x. A function showing probability that a random variable x has a value less than or equals to small x is called the cumulative distribution function or simply distribution function. इसको हम students cumulative distribution function भी कहते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ को कैम्यूलेट करता जाता है, जमा करता जाता है। कैम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी होता है और इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स भी कहते हैं। अगर आपने इसको याद रखना है तो आप ये इक्वेशन याद रख लेंगे, आपको ईजिली इसकी डेफिनेशन भी याद रहनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? जब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं फॉर द कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल्स टू वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ द एक्स लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये तमाम चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन हो रही है, आप अपनी डेफिनेशन जो है यहां से फाइंड कर सकते हो। एंड इट्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये सेम चीजें फॉर द एक्स। सिंबोलिकली मैंने आपको बता दिया है कि अगर सिंपली हम इसको इसका सिंबल शो करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन जो है इक्वेशन की सूरत में आ जाते हैं। अब स्टूडेंट, एफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल एज्यूम अ वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, यही चीज एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब स्टूडेंट, हमारे पास टू मेन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो आपने याद रखनी है। टू मेन प्रॉपर्टी, जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा आपने प्रॉपर्टीज माइंड में रखनी है। एक प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आप कहते हो कि माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो है एंड एफ जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है इज इक्वल्स टू वन है। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? देखिए, लिमिट्स वो बता रहे हैं कि जो लोअर लिमिट्स है वो आपके पास जीरो है, जो अपर लिमिट्स है वो आपके पास वन है। किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की आपको लिमिट्स बता रहे हैं। अगर एफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी है तो वो जीरो है, अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो वो वन है। दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन दैट रेंज फ्रॉम इज क्लोज द इंटरवल। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि जो इसकी इसकी जो इंटरवल है वो क्लोज हो रहा है जीरो एंड वन। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो जीरो है एंड जो बड़ी वैल्यू है वो आपके पास क्या है? वन है। तो ये हमारे पास क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये भी आपने याद रखना है कि जो एफ एक्स है वो हमारे पास क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये स्टूडेंट आपने माइंड में रखना है, इट्स अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपने माइंड में रखनी है वो आपके पास क्या है? हम कहते हैं कि इफ अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर हैं, ए लेस देन बी है, अगर हम इनका फंक्शन लेते हैं तो वो भी हमारे पास सेम पैटर्न में आना चाहिए कि फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन फंक्शन ऑफ बी। तो ये हमारे पास क्या है? फॉर एनी रियल नंबर्स के लिए। तो ये हमारे पास आ जाता है जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपने मेन चीज़ क्या माइंड में रखनी है स्टूडेंट, कि आपके पास जो कैपिटल एक्स है वो क्या होता है? लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल एक्स होता है। इसको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मेन टू प्रॉपर्टीज है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, लिमिट जीरो टू वन है, और अगर टू रियल नंबर्स गिवन है तो अगर फंक्शन ले रहे हो तो वो भी आपके पास सेम आएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड और इसके जो ग्राफ बनता है वो भी हमारे पास क्या होता है? क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो जंपिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ, फिर इंशाल्लाह जो मेन एग्जांपल है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्टिव हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ले लेते हैं। जिस तरह हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन में हम करते थे एक तरफ एक्स की वैल्यूज होती थी, दूसरी तरफ हम उनकी प्रोबेबिलिटीज ले लेते थे। जो हम कहते थे जिसका सम 1 के इक्वल आएगा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है वो डिस्क्राइब हो जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट क्या होगा कि यहाँ आपको एक्स की लिमिट्स गिवन होंगी, स्मॉल एक्स की, कि लेस देन हमारे पास क्या फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड होनी है, 0 से हमारे पास 1 तक क्या आ रहा है, फिर 1 से 2 तक क्या आ रहा है एंड हमारे पास 2 से ग्रेटर क्या आ रहा है, या 2 लास्ट लिमिट्स हैं या 2 से ग्रेटर आपके पास क्या आ रहा है, तो वो आपने इसमें एक्सप्लेन करना होगा। अब यहाँ जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही होंगी फंक्शन में वो 0 होंगी, नेक्स्ट जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी आपने उसको ऐड करना है, फिर उससे नेक्स्ट जो वैल्यूज़ आ रही हैं आप उसमें ऐड करोगे तो 9/10 आएगा, और जब नेक्स्ट वैल्यूज़ में ऐड करोगे तो 1/10 आ जाएगा। इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल है स्टूडेंट मैं करवाऊंगी, ये आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। प्रोबेबिलिटीज़ को आपने ऐड करता जाना होगा इन 2 इंटरवल्स में, कि जो जो इन इंटरवल में प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं आप उसको ऐड करो और लिखते जाओ, और लास्ट में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, बल्कि 1 आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, 1 लास्ट में आएगा और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इनसे रिलेटेड मैं क्लियरली एग्जाम्पल जो है आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।